हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रवि रंजन आज आपसे बात करने वाला हूँ स्टेशनरी स्टोर के बारे में। हाँ जी, आपने सही सुना है, स्टेशनरी का रिटेल स्टोर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में आपको सारी नॉलेज में देने वाला हूँ कि आप कैसे एक प्रॉफिटेबल स्टेशनरी स्टोर रन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप जब भी अपना कोई भी रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस रिटेल बिजनेस के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रिटेल बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी शॉप अगर आप ओपन करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस यानी कि आपका कस्टमर कौन है, आपका टारगेट कस्टमर कौन है। ये सबसे पहला काम होता है एज ए बिजनेस ओनर आपको पता होना। आज के डेट में हर चीज ऑनलाइन हो रखा है, ऑफकोर्स स्टेशनरी का बिजनेस भी ऑनलाइन काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन जो बिजनेस मॉडल है स्टेशनरी का, उस ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो स्टेशनरी एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप जो स्टेशनरी स्टोर ओपन करने की सोच रहे हैं उसका लोकेशन क्या होगा। इसका जो आइडियल लोकेशन होता है, या तो स्कूल या कॉलेज के आसपास अगर आपके पास स्पेस है तो वहां पर आप खोल सकते हैं, या फिर ऑफिस एरिया के आसपास खोल सकते हैं, या फिर किसी भी लोकल मार्केट में आप स्टेशनरी स्टोर खोल सकते हैं। लेकिन स्टेशनरी ही सिर्फ आप इस स्टोर पे बिक्री करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अगर आप मार्केट एरिया में स्टेशनरी का स्टोर ओपन करते हैं तो वहां पर आपको स्टेशनरी के साथ साथ गिफ्ट आइटम, टॉयज, ये भी रखने की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज मार्केट एरिया में हर टाइप के कस्टमर आते हैं स्टोर पे। तो अगर कोई बच्चा स्टेशनरी लेने आया है तो हो सकता है कि उसको टॉयज की भी रिक्वायरमेंट हो, तब वो बच्चा सिर्फ आपके स्टोर पे स्टेशनरी ही लेने नहीं आएगा। बिकॉज अगर किसी अदर स्टोर पे टॉयज और स्टेशनरी दोनों अवेलेबल है तो वो वहीं पे जाना प्रीफर करेगा। तो स्टेशनरी बिजनेस में भी स्पेस या फिर लोकेशन के हिसाब से जो है आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी अगर आप इसे एक प्रॉफिटेबल और एक अच्छा खासा स्टोर बनाना चाहते हैं। तो स्टेशनरी स्टोर में आप क्या क्या सेल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप टॉय सेल कर सकते हैं, गिफ्ट आइटम सेल कर सकते हैं, नोटबुक है, पेंसिल है, पेन है, कलर पेपर हुए, काफी सारे आइटम्स आते हैं स्टेशनरी में, वो सारा आप सेल कर सकते हैं। स्टेशनरी में भी अदर रिटेल स्टोर के अकॉर्डिंग ही इसमें भी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट दोनों ही आते हैं, तो आपको दोनों ही सेल करने पड़ेंगे अपने स्टेशनरी स्टोर पे। बिकॉज जो ब्रांडेड आइटम है उसमें स्टेशनरी में तकरीबन 15-20% का मार्जिन होता है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो काफी बड़े बड़े ब्रांड जो है इस सेगमेंट में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर सारे ब्रांड देखने को मिल जाएगा। बट काफी सारे नॉन ब्रांड यानी कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी स्टेशनरी में आते हैं, और वो भी अच्छा खासा सेल होते हैं, बिकॉज उसकी डिमांड काफी अधिक होती है तो सेल भी काफी अच्छा होता है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जहां ब्रांडेड में आपको 15-20% का प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो वहीं पर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो अपने स्टेशनरी और या फिर गिफ्ट स्टोर पे, तो आपको तकरीबन 30-35% का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलो जी, प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है, कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है, इसका होलसेल मार्केट कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है, तो ये सारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेस की रिक्वायरमेंट की। तो अगर आपके पास मार्केट में अगर 250-300 स्क्वायर फीट भी एरिया है तो आप वहां भी स्टेशनरी स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, तकरीबन 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो आइडियल जो होता है वो 8-10 लाख रुपए अगर आप इस बिजनेस में लगाते हो तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल स्टोर आप स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस में सारा गेम जो होता है वैरायटी का होता है। अगर आपके स्टोर पे सारे नए वैरायटीज अवेलेबल है जो मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं, जो स्कूल में ट्रेंड कर रहे हैं, जो नए नए कलर्स आ रहे हैं,
नए नए कलर्स के भी काफ़ी सारे वैरायटीज आते हैं, वो सारे आप अपने स्टोर पे अगर रखते हो तो कस्टमर को वैरायटी काफ़ी मिलती है। और ये बिज़नेस वैरायटियों का बिज़नेस है, इसमें अगर वैरायटी आपके स्टोर पे कम है तो हो सकता है कि कस्टमर रिटर्न चला जाए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके स्टोर पे जितना मैक्सिमम वैरायटी अवेलेबल होगा, कस्टमर उतना ज़्यादा ही परचेजिंग आपके स्टोर से करेगा। किसी भी रिटेल बिजनेस को प्रॉफिट में आने के लिए तकरीबन मिनिमम 4 मंथ लग जाते हैं। अगर आप उसको फास्ट ट्रैक में लेके चलते हो तो 4 मंथ मिनिमम लग जाते हैं, लेकिन जनरली 4 मंथ से 1 साल तक का टाइम दिया जाता है किसी भी रिटेल स्टोर को प्रॉफिट में आने के लिए। अगर स्टेशनरी के बिजनेस की बात करें तो स्टेशनरी का जो बिजनेस है वो 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। अगर आप स्टेशनरी के बिजनेस के आरओआई की बात करते हैं, अगर आपने इस बिजनेस को अच्छे से रन किया और कोई भी कस्टमर आपके स्टोर से खाली हाथ नहीं गया, एक भी की रिटर्न कस्टमर नहीं है, तो तकरीबन 6 to 8 मंथ के अंदर आप आरओआई निकालना शुरू कर दोगे अपने इस स्टेशनरी स्टोर से। और अगर आपने थोड़ा लेजी होके काम किया कि चलो जी कोई नहीं, एक चला गया दूसरा आएगा, दूसरे को दे देंगे, अभी मैं सीख ही रहा हूँ तो थोड़ा धीरे धीरे बिजनेस को इंक्रीज करूंगा, तो अगर इस टाइप की मेंटेलिटी के साथ अगर आप काम करोगे तो तकरीबन 1 साल से 14 महीने भी लग सकते हैं स्टेशनरी स्टोर से आपको आरओआई लेने में। ये एक थंब रूल है किसी भी रिटेल स्टोर के लिए। आपका जो एवरीडे का सेल होगा, आप मंथली रेंटल उतना ही दे सकते हो किसी भी रिटेल स्टोर में। अगर आपका पर डे का सेल अगर 20,000 का है, जो आपका शॉप का रेंट है वो अगर 30,000 है, तो आप नुकसान में जाओगे, आप कभी भी प्रॉफिट में अपने रिटेल स्टोर को नहीं चला पाओगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, सेम फंडा जो है स्टेशनरी स्टोर और गिफ्ट स्टोर पे भी लागू होता है कि अगर आप जिस एरिया में भी ये स्टोर ओपन कर रहे हैं और वहाँ पर आपको लगता है कि आप पर डे जो है 20,000 का सेल कर पाएंगे, तभी जाकर आप वहाँ पर 20,000 रेंट पे कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर हाई रेंट में कोई स्टोर मिल रहा है अपने स्टेशनरी स्टोर के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि छोटे स्पेस में इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट कम से कम पहले मार्केट को देख लीजिए, पहले इस बिज़नेस को देख लीजिए, फिर उसके बाद मेजर इन्वेस्टमेंट आप करिएगा। काफ़ी सारे स्टेशनरी और गिफ्ट स्टोर में आप जो है कॉस्मेटिक आइटम्स भी सेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें लाइसेंस की क्या रिक्वायरमेंट है। ईयरली जो है 25 से 30 लाख का टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी लेने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी ऑलरेडी है या फिर आप जीएसटी लेना चाहते हैं, तो अप टू यू कि आप इसको जीएसटी के अंदर रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे। दूसरी, जो लोकल अथॉरिटी से या फिर कॉरपोरेशन से जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपने बिजनेस का, अपने स्टेशनरी स्टोर का, आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपने लोकल अथॉरिटी से, तो वही एक लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। बेसिकली लाइसेंस नहीं है ये, सिर्फ एक स्टोर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, बस वही आपको कराना होता है। और अगर आप जीएसटी लेना चाहते हैं तो जीएसटी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। ये बिज़नेस पूरे के पूरे 12 महीने इसकी डिमांड होती है। जब स्कूल्स की छुट्टियाँ होती है तो स्टेशनरी की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, बट स्टेशनरी की अगर डिमांड कम होती है तो टॉयज़ की डिमांड हाई हो जाती है। और आप ऑफलाइन के साथ साथ जो आपके पास प्रोडक्ट रेंज है स्टेशनरी में, जो नॉन ब्रांडेड आइटम्स है या फिर टॉयज़ हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इनको आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो उसी स्टोर के थ्रू, तो आप ऑनलाइन भी अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो। तो आपके पास ऑफलाइन का भी रेवेन्यू पर डे का सेल का आ रहा है और ऑनलाइन का भी सेल का रेवेन्यू आ रहा है। इससे आपका ओवरऑल जो रेवेन्यू है पर मंथ का या पर डे का सेल का, वो बूस्ट हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। आपके एरिया में जो भी कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं या फिर बैंक्स हैं, इन सबको भी आप अप्रोच कर सकते हो अपने स्टेशनरी को सेल करने के लिए, और उनको एक अच्छा प्राइस विथ क्वालिटी साथ अगर आप अपना प्रोडक्ट उनको दिखाते हो या फिर मार्केटिंग करते हो, तो वहां से भी काफी चांसेस होते हैं कि आपको बल्क में एक अच्छा खासा ऑर्डर पर मंथ मिल सकता है।
वहां से भी आपका सेल बूस्ट होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। स्टेशनरी स्टोर ओपन करने के लिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें कोई हिडन खर्च होता नहीं है, जैसे कि फ्रिज वगैरह मेंटेन करना या फिर स्टाफ को मेंटेन करना या स्किल स्टाफ की रिक्वायरमेंट आपको इसमें नहीं पड़ती है इतनी। और आपके जो अदर एक्सपेंसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, वो भी कम होते हैं। तो ये एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है। अगर आप इस बिजनेस में जाना चाहते हो या फिर आप सोच रहे हो, तो इस बिजनेस के बारे में अपने एंड पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल अगर इस बिजनेस को देखा जाए तो प्रॉफिटेबल है, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट आप इस बिजनेस के थ्रू कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, नमस्ते।